मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, परहित बस जिन के मन तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। महाराष्ट्र के संतों की परंपरा में रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए रामेश्वर की यात्रा में स्वामी एकनाथ जी की व्यथा आप लोगों को सुनाई गई थी। एक प्यासे गधे को उन्होंने भगवान शिव के अभिषेक के निमित्त पैदल ही पैदल हरिद्वार से गंगा रामेश्वर तक की उन्होंने यात्रा पूरी की। अनेक अनघट घाटों को पार करते हुए, सर्दी गर्मी बरसात की ऋतुओं को सहन करते हुए जब रामेश्वर के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें एक गर्मी के दिन थे, एक गधा प्यास से व्याकुल मिला तो उन्होंने पानी जो है उस गधे को पिला दिया। और दूसरे दिन जब शिव के मंदिर में वह खड़े हुए तो मंदिर से एक आवाज़ आई कि एकनाथ, ये लोग तो अपनी भावनाओं की तृप्ति मेरे पे जल चढ़ा के कर रहे हैं, पर तेरे जल पिलाने से कल मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
इसमें भारतीय परंपराओं की जो विशिष्टता है, परमेश्वर की सर्वव्यापकता है, हर प्राणी में परमेश्वर है, यह जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने जो अवधारणा दी है, ये इसको सत्य करती है। भगवान शिव के मंदिर से आवाज़ आ रही है, कल तेरे जल पिलाने से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। यही भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का उदात्त जो है दृष्टांत है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति की भावनाओं को यह तृप्त करता है। आचार्य भगवान श्री चंददेव जी ने भी गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। संसार में जो भी विलक्षणता हमें दिखाई दे रही है, और साधक जब साधना के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं, जो उनके जीवन में विचित्र अनुभव होते हैं, यह इसी बात का द्योतक है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अगर हमारा मन एकाग्र है, हमारा चिंतन ठीक उस ओर अग्रसर है, जा रहा है, तो उसकी अनुभूति जीव को होती है, भगवत अनुकंपा भी उसे होती है। और भी ऐसे हजारों दृष्टांत पड़े हैं कि जो भगवान की व्यापकता और भगवान के अनुग्रह के प्रकरणों को दर्शाते हैं। और मध्यकालीन संत परंपरा में हर संत के जीवन में ऐसी घटनाएं आई। पंडरपुर की ही एक कहानी है, संत नामदेव, बड़े अच्छे संत थे। वह पंडरपुर के भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर के दरवाजे पर पड़े रहते थे, और भिक्षावृत्ति करके जो कुछ उनको प्राप्त होता था, नदी के किनारे जाकर के वो रोटी बनाते थे, वो भगवान विट्ठलनाथ को वहीं से अर्पण करके उसका भोग लगाते थे और खुद खाते थे। अनेक दिनों तक यह बात चलती रही। एक दिन अचानक वो रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया, और कुत्ता चुपचाप जो है एकनाथ जी के पीछे से होकर के एक रोटी को मुंह में उठा लिया और भगा वहाँ से। तो एक नामदेव जी ने जब देखा कुत्ता सूखी रोटी लेकर के भाग रहा है, वह उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागे दौड़े, कहते हैं प्रभु तुम बड़े दयालु हो, आज भोग लगाने के लिए खुद आ गए पर रोटी में घी नहीं लगाया है, आप पहले रोटी में घी लगाने दीजिए, फिर इसको पाइएगा, भोग लगाइएगा। कुत्ता आगे भगते गया, पीछे जो है नामदेव जी भी भगते गए। अंत में कुछ दूर जाने के बाद कुत्ता ही विट्ठल के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गया। ऐसी कहानी हम नामदेव जी के जीवन चरित्र में पढ़ते हैं। और भी अनेक भक्तों की ऐसी गाथाएं हैं जो सुनने में बड़ी अटपटी लगती हैं, पर यथार्थता को जो है दर्शाती हैं, परमेश्वर की व्यापकता को दोहराती हैं। इसी बात को लेकर के आचार्य भगवान श्री चंददेव जी ने गुरु अविनाशी खेल रचाया। महापुरुष लोग सृष्टि के इस क्रम को, सृष्टि की जो चलने की विलक्षणता है उसको, इसको भगवान का खेल समझते हैं, खेल रचाया और अगम निगम का पंथ बताया। और उन्हीं उस खेल में ही कुछ ऐसे इकट्ठा करके जल में धो करके महापुरुष लोग उसको सींते थे,
उन अनेक कपड़े के टुकड़े से एक गोदड़ी बना लेते थे। तो इसका भाव है ज्ञान की गोदड़ी। ज्ञान एक ही विषय से प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान के लिए अनेक विषयों की आवश्यकता पड़ती है। तो आचार्य जी कहते हैं ये जो हमारी गोदड़ी है अनेक कपड़ों के टुकड़ों को सी करके बनाई गई है, उसी तरह से यह जो गोदड़ी है यह ज्ञान की गोदड़ी है। ज्ञान जो है एक देशीय नहीं होता है, ज्ञान सर्वदेशिक होता है और उसमें हर तरह की संभावनाएं होती हैं। हर चीज़ में उसको देखने की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए ये हमारी जो गोदड़ी है यह ज्ञान की है। और सिर में जो टोपी रखे हैं इसका क्या मतलब है? कहते हैं क्षमा की टोपी। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, अगर हमारे साथ वो कैसा भी व्यवहार करे, उसके व्यवहारों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे अनुकूल बात है या नहीं है, है तो भी उसको सुन करके इतराना नहीं चाहिए, अपनी उपलब्धि नहीं समझनी चाहिए। किंतु अगर गलत बात है उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर वह हमारी आलोचना करता है, हमारे को कुछ कहता है, तो यह जो टोपी है ये क्षमा की टोपी है। हम लोग ताप्ती नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, जब नर्मदा जी की हम लोगों ने परिक्रमा पूरी की तो हमने सोचा कि चलो ताप्ती नदी के किनारे भी कुछ दिन भ्रमण करें। बुरहानपुर से हम लोग चले और सूरत तक ताप्ती नदी के किनारे हम लोग भ्रमण किए पैदल पैदल। वैसे ताप्ती के नदी का भ्रमण नहीं होता है, न परिक्रमा होती है, किंतु हम लोग उसके किनारे किनारे घूमे, बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। फिर आने वाले दिनों में हम उसको सुनाएंगे, बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। तो एक महात्मा जी की कुटिया वहाँ बनी थी। वैसे जैसे नर्मदा के किनारे बहुत से संतों के आश्रम हैं, बहुत संत वहाँ निवास करते हैं, तब ताप्ती के किनारे बहुत कम संत मिलते हैं। तो एक शांत की कुटिया थी, हम लोग उसके अंदर प्रवेश किए तो संत ने एक बोर्ड में एक अच्छी संस्कृति की युक्ति लिखी थी। उसमें ये लिखा था, प्रथमम दुर्जनम वंदे सज्जनम तदनंतरम। हम प्रथम उन दुर्जनों की वंदना करते हैं जो हमें संयम सिखाते हैं, जो हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वह दुर्जन जो है कटु शब्द बोलेंगे। अगर जो उन कटु शब्दों को भी सहन कर लिया और समरस रहा, मन में आक्रोश नहीं पैदा हुआ, प्रतिशोध यानी उसके प्रश्न के उत्तर में कोई हमारे अंदर में भी वह प्रक्रिया नहीं हुई, प्रतिक्रिया कि ये हमको गलत बोल रहा है, हम इसको कैसे हुआ करें। तो प्रथमम दुर्जनम वंदे, हम उन दुर्जनों की वंदना करते हैं जो हमें सहन करने की शक्ति सिखाता है। और उसके बाद लिखा था सज्जनं तदनंतरम, इसके बाद हम सज्जनों की वंदना करते हैं कि जो जिनके उपदेशों से, जिनकी वार्ताओं से हमारे मन में विद्वेष नाम की वस्तु नहीं रही। तो महाराज यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं, ज्ञान की गोदड़ी जैसे अनेक कपड़ों को से बनी हुई गोदड़ी हमारी ठंड को दूर करती है, हमें जमीन में बिछा दें तो गद्दे का भी काम करती है, तो
तो इसी तरह से ज्ञान भी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी संतोष देता है, कभी वह विचलित नहीं होने देता है, इसलिए ज्ञान की गोदड़ी है। ये जो हमने गोदड़ी पहनी है ये ज्ञान की गोदड़ी है, इससे हमको शिक्षा मिलती है, इससे हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और क्षमा की टोपी जो हमने मस्तक में टोपी धारण की है, ये क्षमा की टोपी है। कोई भी चाहे कुछ भी बात करे, अपने को भला अच्छा कहे बुरा कहे, इसकी कोई परवाह किए बगैर सहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इसी का नाम है क्षमा की टोपी। जत का आड़बंद, आड़बंद बन कहते हैं कोपिन को बांधने वाला, कोपिन के वस्त्र को लटका करके कोपिन को ग्रहण कर लेना, लंगोटी लगाना। ये जो मिड़ाते हैं यह जो है आड़बंद जो है जत का है, संयम का है, जिससे हमारी इंद्रियां बहिर्मुख न होवे, हमारी इंद्रियां स्थिर रहें। कैसा भी विषाक्त वातावरण, कैसा भी कामुक वातावरण, कैसी भी परिस्थिति हो, किंतु जो है कभी भी वह उससे डिगे नहीं। इसी को गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा है। किसी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, कहते हैं योग क्या है, योग के लक्षण क्या हैं? तो गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात वाणी में कहा था, बताई थी, जत सत संयम सुरत विलक्षण, जत सत संयम सुरत सुरति विलक्षण, नानक कहें योग के लक्षण। जत सत और सुरति, जत माने कभी भी अपनी बुद्धि को गलत रास्ते की ओर मत जाने दो, सत माने सत्य मार्ग का अनुसरण करो और संयम करो। सुरत विलक्षण, जिस प्राकृतिक दृष्टि से आप जगत को देख रहे हैं, यह दृष्टि जगत को जो देखनी है, सिर्फ जगत में हमने पेड़ को देखा, पेड़ को देखा, व्यक्ति को देखा, जो दिख रहा है इसी पर दृष्टि को नहीं करना है, पर सुरत विलक्षण, उसमें भी हमें परमेश्वर की अनुभूति होनी चाहिए, सत्य का साक्षात्कार होना चाहिए। जत का आड़बंद, यही जत का आड़बंद है, संयम का लंगोट बांधने का। शील लंगोटी, शील माने क्या होता है, मर्यादित जीवन को जीना, यह शील कहलाता है। कभी भी अमर्यादित नहीं होना, कभी भी इंद्रियां बहिर्मुख न जाएं, कभी भी इंद्रियों में कोई भी तत्त्व इंद्रियों में तत्त्व प्रभाव का नहीं होना, इसको कहते हैं शील लंगोटी। मध्यकालीन भारत में जिस समय देश पराधीन हो गया था, मुगलों ने इसको पराधीन किया था, और हमारी ही कुरीतियाँ, हमारी समाज के लोगों ने उनके साथ मिलकर के अपने छोटे मोटे रजवाड़ों से बगावत करके उनको इस देश में लाए वो, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, वो पूरे देश में छा गए। जैसे कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी 16 घोड़सवारों को लेकर के कलकत्ता में प्रवेश की थी, सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से, किंतु जब वो वहाँ आए, परस्पर लोगों में विद्वेष की भावनाओं से भरा हुआ देखा, तो उन्होंने, वो व्यापारी बन के आए थे जरूर, किंतु शासक बन करके उन्होंने लगभग 100-150 वर्ष तक या इससे कुछ अधिक समय तक उन्होंने इस देश में शासन किया।
हम लोगों के साथ लड़ करके उन्होंने देश हमसे नहीं छीना, न मुगलों ने छीना और न अंग्रेजों ने छीना, पर हमारी आपसी वैमनुष्यता, हमारा आपसी तनाव जो है इस देश को परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ता गया। लगभग 800 वर्ष तक ये देश गुलाम रहा। पूर्व में जो है यवनों ने इस देश पर यानी जो है आक्रमण किया। अगर सिर्फ सीमा और क्षेत्र को ही पहले शासन करने की उनकी इच्छा होती है, होता है बड़े बड़े यानी जो है बलवान व्यक्ति अपने से छोटे बलवान पर शासन करता है, ये प्रकृति का नियम है। जब से सृष्टि अस्तित्व में आई है तब से यह सब कुछ होते हुए हुआ, किंतु जब अपने ही लोग उनको आमंत्रित करके उनके साथ मिल करके अपनों के साथ अपनी मिट्टी के साथ अपनी परंपराओं के साथ अगर विश्वासघात करें तो यह चिंता का विषय होता है। तो मुगलों ने इस देश पर शासन ही नहीं किया, पर इस देश की जो उदात्त परंपराएं थी, इस देश का जो भाईचारा था, परस्पर मैत्री जो भाव थे, उन सबको भी उन्होंने ध्वस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने हमारे जो है सांस्कृति के प्रतीक जो हमारे देवस्थान थे उन पे भी आक्रमण किया, उनको तोड़ा। अगर तोड़ करके धराशायी कर देते तो तब भी कोई चिंता की बात नहीं थी। उन्हीं स्थानों पर उन्हीं पत्थरों से भारतवासियों को चिढ़ाने के लिए अपनी एक पूजा स्थल भी उन्होंने निर्माण किया। तब से लेकर के भारतीय जनमानस आंदोलित रहा और अभी तक भी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। तब तक भी इस अभिशाप से अभी हमारा देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। ये कह करके हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, यह कह करके यह कहने का हमारा तात्पर्य यह है, हिंदुओं की बिचारी दिवालियापन और हम लोगों को ही गुलाम बनाने में उन मुगलों से भी अधिक जो है वो सफल हुआ। और वह क्रम जो है यही नहीं थमा। 800 वर्ष बहुत पुराने बहुत लंबे होते हैं। 100 साल में जो है ब्लड बदल जाता है। हम लोगों का 800 साल की गुलामी का इतिहास है। हमारे विचारों को का दोहन हुआ, हमारे विचारों की हंसियाँ मनाई गई, हमारे विचारों की आलोचना हुई, हमारे ही देश में रहते हुए हमारी ही पवित्र गंगा जमुना नर्मदा आदि नदियों के किनारे बसी हुई यह भारतीय संस्कृति को पग पग पर जो है अपमानित किया गया। तो वह क्रम स्वतंत्रता के बाद भी नहीं थमा। जो हमारी प्रतीक थे उन प्रतीकों को जो है का अपमान हुआ, चाहे वो गौ वध से संबंधित हो, चाहे चरित्र हनन के रूप में हो, चाहे हमारे महापुरुषों की आलोचना के रूप में हो, ये खुलेआम होता रहा। और मैं तो ये कहूँगा स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 60-65 साल तक ये क्रम थमा नहीं। जो वह नहीं कर सके उसको हमारे लोगों ने किया। तो इस उहापोह की परिस्थिति में अगर भारतीयता हम लोगों के अंदर अभी भी जीवित रही तो उसका श्रेय शासन वर्ग को नहीं था, उन जो है मुगलों के शासकों को नहीं जाता था, क्योंकि उन्होंने तो हमारा दोहन किया।
और अंग्रेजों की भी फूट डालो और राज करो की नीति का दुष्परिणाम हमारी भारतीय जनमानस के बंटवारे के में भी सहायक बने। गुरु नानक देव जी की उदात्त भावनाएं, परस्पर प्रेम का जो उनका संदेश था, तो उनको भी एक मजहब के नाम पे उन्होंने मान्यता दे करके बड़े जो है हिंदू समाज के अंग को हमसे तोड़ने की कोशिश की और कुछ उसमें कुछ सफल भी हुए। हम पूरी तो नहीं कहेंगे कि पूरी पंजाब में वो सफल रहे, अभी भी उनके मानने वाले जो एक धर्म के रूप में अपने को स्थापित करने में, कोई शासन किसी धर्म को मान्यता दे वो धर्म होता है सो बात नहीं है, शासन को तो ये चाहिए कि प्रचलित मूल्यों की सुरक्षा करना, ये जनता के ऊपर निर्भर होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले संतों पे की जिम्मेवारी होती है और शास्त्र की सुंदर व्याख्या करने वाले, शास्त्र के तत्व को जानने वाले महापुरुषों की के ऊपर ये दायित्व तो होता है वो किसको धर्म माने किसको धर्म न माने। यहाँ तो शासन ने अपने प्रभाव से अलग अलग धर्म की मान्यता दे करके भारतीयता को संपूर्ण तोड़ने की कोशिश की और उसमें वो लोग सफल भी हुए हैं। और भी अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जो है भारतीयता को पुनर् एक सूत्र में जोड़ने के लिए भरतक कोशिश की और वो कुछ उसमें सफल भी हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आक्रमण हम लोगों ने झेले और 800 वर्ष की गुलामी को भी हमारी भारतीय जनता ने झेला, किंतु हम आज भी जीवित हैं, आज भी हम अपने शास्त्रों को अपनी परंपराओं के पालन करने की वृत्ति को अभी भी अपने मन में सजोए बैठे हैं और इसके लिए अनेक संस्थाएं प्रयासरत भी हैं। और हम ये तो नहीं कहेंगे उनके प्रयास असफल हुए, ये तो नहीं कहेंगे, पर जिस गति से प्रयास होना चाहिए था वो गति उनको नहीं मिल पाई, ये भी हमारे 800 वर्ष की मस्तक को परिवर्तन करने की जो गुलामी थी इसका ही दुष्परिणाम था। तो ये भारतीय जनता ने इसको बुरी तरह से झेला है और वह झेलने का क्रम आज भी नहीं थमा है। देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, स्वतंत्र जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हमारे यहाँ वेद मंत्रों में लिखा है जीवेत सर्वदशतम, हम 100 वर्ष तक जिए पर मानवता की सुरक्षा करते हुए, मानवतावादी जीवन को जीते हुए हम 100 वर्ष तक जिए, परस्पर लड़ और झगड़ के हम नहीं जिए, ये हमारे वेद का उद्घोष है, हमारे उपनिषदों का, हमारे महापुरुषों का, जिनके भी संदेश हैं और सब इसी ओर प्रेरित करते हैं। और भारतीय संस्कृति जो है सहिष्णुता की संस्कृति है, भारत किसी का अपमान नहीं करता है, हमारे यहाँ पर निंदा को एक पाप के रूप में स्वीकार किया है, किसी भी महापुरुष की निंदा करना चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, अगर उसके अंदर अच्छाई है तो वह एक संत के समान है, उसको समाज को स्वीकार करना चाहिए। और वर्तमान समय में भी हम लोग ये देख रहे हैं, एक साईं बाबा हुए हैं, वो हिंदू परिवार से नहीं हैं, पर आज जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं सब हिंदू हैं, मुसलमान कोई नहीं है। कोई मुसलमान कहे कि हम उनके अनुयायी हैं, अगर वो कहता है तो बनावटी भाषा बोलता है, तो हिंदू ही उनको मानते हैं। अगर भारतीय जनता, भारतीय जनमानस हिंसक होता तो कभी भी साईं बाबा को वह स्वीकार नहीं करता, किंतु हम लोग कर रहे हैं, मंदिर उनके मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी समाधि में जा रहे हैं,
अपनी श्रद्धा के अनुसार से लाखों करोड़ों रुपया चढ़ा भी रहे हैं आप लोग, वो तो उनके यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस महीने साईं बाबा के मंदिर में इतने करोड़ रुपए का सोना आया, इतना चांदी आई, क्या ऊपर से बरसा, हिंदू जनता ने चढ़ाया है कि नहीं। यह सब हमारी भारतीय संस्कृति जो है एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई गई है। भारतीय संस्कृति जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, वो कब से हुआ इसके लिए विज्ञान भी कोई एक निर्धारित समय की कल्पना नहीं कर रहा। पहले उन्होंने कहा था इस संसार को बने हुए 4000 वर्ष पूर्व मना था। वो लोगों ने कोशिश की थी कि 4000 वर्ष हम कहेंगे, इसमें 2000 वर्ष के पूर्व ईसा आए, 2000 वर्ष बाद ही ईसा का जन्म हुआ, वो मानवता का जो है समर्थक रहे, मानवता का उन्होंने वो किया, नहीं तो उसको 6000 वर्ष भी कह सकते थे। और 2000 वर्ष ईसाइयत को हुए हैं और 1400 वर्ष इस्लाम को हुए हैं। ईसाइयत से पूर्व बाद में इस्लाम धर्म बना, और उसमें क्या चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी किसी महापुरुष की निंदा करना पसंद नहीं करता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। हमारे तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहाया महाजनो येन गतस्य पंथा। मार्ग क्या है, कहते हैं महाजनो येन गतस्य पंथा, जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिसको पालन करने की प्रेरणा महापुरुष दे रहे हों, वही पंथ है। तो हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपरा में आलोचना नहीं, हमारे यहाँ पर समर्थन की बातें हैं। हम किसी को भी गाली दे करके उसकी पूजा नहीं करते हैं, हम फूल चढ़ा के पूजा करते हैं, समझ में आया ना। तो ये हमारी भारतीयता थी, और इसका दुष्परिणाम हम लोगों ने बहुत खोया, बहुत भोगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये ठीक है, जो कुछ भी हुआ काल की नियति थी, तो भी हम अपने अस्तित्व को बचाने में समर्थ रहे, यह हमारे प्रयास नहीं, यह परमेश्वर की अनुकंपा का फल था, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। और हमारे यहाँ जो प्रयास करने वाले थे उनको प्रयास करने दिया नहीं जाता था, सुधारक युग सुधारक पुरुष भी, और हमारे लोगों ने ही उनकी आलोचना की, हमारे लोगों ने ही उनको जो है उनकी निंदा उनकी त्रुटियों को बता बता के चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहा। जबकि कोई भी समाज अपनी बुराइयों को छिपाने की कोशिश करता है, हमारा हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज था जिसने अपनी अच्छाइयों को भी बुराई में बताया। तो ये अनेक संप्रदाय, अनेक मत और मतांतर, अनेक आई हुई ये जो है भगवानों की कतार ने इसको और पुष्ट किया। खैर, इस तरफ हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये चर्चा करेंगे तो वर्षों वर्षों तक ये चर्चा होती रहेगी और कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। किंतु हम ये कहेंगे, जिस समय बुद्ध का अवतरण हुआ उस समय हमारे यहाँ पे हिंसा का एक दौर चल रहा था देवी देवताओं के नाम पे। भारतीय
साहित्य में बलि की कहीं परंपरा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी बलि की चर्चा आती है, कहा है बलि प्रदाने पूजायाम मग्न कार्ये महोत्सवे। बलि शब्द का अर्थ है समर्पण, तुम उसकी शरणांगति हो जाओ। हमारे यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा में भी शरणांगति भाव का विशेष महत्व है। जिनसे तुम अध्यात्म की लाइन स्वीकार करते हो उनकी आज्ञा का पालन करना ही समर्पण कहलाता है। तो भारतीय साहित्य में कहीं पे किसी आलोचना प्रत्यालोचना का कोई जगह है ही नहीं, पर आजकल ये जो लंबी कतार चली आ रही है भगवानों की, हमारे यहाँ तो पंचदेवता की कल्पना थी, सृजन जो रचता है जो पालन करता है, ये दो देवता हुए, और जो संहार करता है वो तीन देवता हुए, और जो संवर्धन करता है चौथा है, जिसको हम लोग पंचदेव के नाम से जानते हैं, शिव शक्ति देवता अग्नि है जिसको हम सूर्य कहते हैं, और जल का देवता शिव है, आकाश के प्रतीक विष्णु हैं, और शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा हैं। यहाँ पर हमारी अनेक वेशभूषाएँ, गणेश की लंबी नाक है, वो घ्राण शक्ति का देवता है। अब उसके हमको जो है अज्ञानी बता करके उसको रहस्य को समझे बिना हम लोग अपनी ही आलोचना करने में मस्त हैं, और बड़े प्रेम से करते हैं, और भक्त लोग सुनते भी बड़े प्रेम से, और फिर वो जो उनसे सुनते हैं वही बात अपनों के बीच में कहते हैं। तो ये पंचदेव उपासना जो हमारे यहाँ चली, एक तो सृजन करने वाली शक्ति बनाती है, एक पालन करने वाली शक्ति जो ऊर्जा प्रदान करती है, एक प्रकाश की शक्ति जो सूर्य के रूप में है तेज, और जल की शक्ति जो शिव के रूप में है, और गंध की शक्ति जो गणेश के रूप में है। इसके रूप विशेष से इनके आकार बनाए गए हैं। पहले भी ये हमारे यहाँ देवता के रूप में पंच तत्व के रूप में विद्यमान थे। जब मध्यकालीन युग के पहले ये पांच तत्व के रूप में ही गिने जाते थे, महाभारत तक ये तत्व के रूप में ही माने जाते थे, और इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान से कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं क्या भयभीत हो गया, कहते हैं भयभीत नहीं हूँ, मैं परिणाम से डर रहा हूँ। इसके बाद जो एक वहापोह की स्थिति निर्मित होगी, और ये धर्म युद्ध आजकल की तरण शंकर कार का उत्साह जनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च स्वास्थ्य, संपूर्ण समाज में एक विकृति आ जाएगी। लोग शास्त्र का नाम तो जरूर लेंगे पर शास्त्र को समझेंगे नहीं। तो इसी उहापोह के समय में हर एक व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है। कोई भी आजकल भी बहुत सी कंपनियां बनी हैं, भले ही कपड़ा बनाने वाली कंपनी हो, हर कंपनी अपने कपड़े को सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में कहती, इसके अच्छा और कपड़ा कोई नहीं बनाता है, पर डोरा वही, बनाने वाली मशीन वही, बनाने वाले वही, अच्छा और बुरा क्या है, पर ये लोगों की आदत होती है। 36 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह करके बचे खुचे अवसरों का संहार करते रहे, और अंत में तो उन्होंने इतनी क्रांति लाए, जब काल उनके पास उपस्थित हुआ कि अब आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है, आप चलिए अपने लोगों को, कहते अभी नहीं हुआ, अभी ये 52 करोड़ यादव जो हैं, यानी 52 करोड़ जनसंख्या को यादवों की नहीं थी, 52 कोट में किले में ये लोग निवास कर रहे थे, मथुरा वृंदावन से लेकर के द्वारिका तक इनके 52 किले थे, और एक एक किले का एक एक शासक था, इसलिए 52 कोट कहते थे इन्हें।
पर जनसंख्या तो बड़ी ही थी कुछ, तो कहने लगे अभी और काम शेष है। कहते हैं क्या काम है? ये यदुवंशी मेरे जाने के बाद, अभी ये उदंड हो चुके हैं और मेरे जाने के बाद ये इतने उदंड हो जाएंगे, समाज के लिए बहुत घातक बनेंगे। आज जो समाज का संरक्षण कर रहे हैं, उस समय ये समाज को ही समाप्त करने पर रहेंगे। पहले इनको भी निपटा के आता हूँ। तो यादवों का संहार प्रभास पाटन में, फिर भले ही उसको एक महात्मा के अभिशाप के रूप में लिया गया हो, खैर उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। यदुवंशी भी समाप्त हो गए और यदुवंशियों में सिर्फ भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न्यु, प्रद्युम्न्यु का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र हुआ बृजनाभ, एक बचा था और सब समाप्त हो गए। और जो बचे खुचे यादव लोग थे, उग्रसेन आदि जो उनका था, जब वो कृष्ण की स्वधाम गमन का समाचार सुने तो सामूहिक उन्होंने मृत्यु उनकी हो गई। अब कहने वाले लोग कहते हैं सामूहिक यानी जो है, और जो जरासंध के द्वारा तोड़ी गई यानी जो है द्वार यानी जो है मथुरा को पुनर् ब्रजनाभ ने उसको वह किया। इस तरह साथ 36 वर्ष के बाद फिर जो है परीक्षित का राज्य हुआ। फिर उसकी भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कली ने प्रवेश कर गए। ये होते होते जो अर्जुन ने कहा था इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए मैं चिंतित हूँ, तो वही समय आया। देवी देवताओं के नाम से बड़ी प्रथा हुई चली, आपस में संघर्ष आरंभ हुए, मेरा देवता बड़ा तेरा देवता छोटा, और ये संघर्ष में लड़ाइयाँ भी हुई। तो बहुत लगभग भगवान कृष्ण को स्वधाम गए हुए अभी 5000 कुछ वर्ष हुए हैं, युधिष्ठिर और कृष्ण को गए हुए। तो इसके पश्चात जो है चारों तरफ बलि प्रथा का जोर पड़ा, तभी हम लोगों के यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन चला, पहले कभी नहीं था। बलि प्रदाने पूजायाम मग्ने कार्य महोत्सवे, बलि माने समर्पण, तुम जिस देवता की आराधना कर रहे हो उसके लिए समर्पित हो जाओ। जैसे संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, जैसे राम ने कहा था ना, सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो एक हम लोगों की मान्यता थी, एक सिद्धांत था, बहुत अच्छा था। तो उसी समय बुद्ध का जन्म हुआ। तो बुद्ध को उस वातावरण में रखा गया था कि न उसने शास्त्र पढ़ा, न उन्होंने वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े। उनको एक इधर एक ऐसे कैद खाने में, हथगड़ी तो नहीं थी पर बंद कमरे में उन्हें रखा गया, और ये कहा गया था कोई मुर्दा ये न देखें, कोई बुढ़े को न देखें, किसी रोगी को न देखें, अगर ये देखेंगे तो इनमें दया उपजेगी और इसका दुष्परिणाम होगा, ये घर छोड़ के चले जाएगा बालक। और हुआ भी यही शब्द का, बुद्ध ने जो है ये दिखा तो अपने मंत्री से पूछा ये कौन है? कहते हैं ये मुर्दा है, ये मर गया है। कहते हैं कैसे मरा? कहते हैं हम भी मरेंगे, उम्र होगी। तो एक बुढ़े को देखा, ये कौन है? कहते हैं पहले ये हम भी ऐसे ही बनेंगे बाद में, जैसा ये लंग यानी कमर टेढ़ी हो के चल रहा है। आदि व्याधि से ग्रसित भटकती हुई मानवता को जब ये चिन्ह देखे, बुद्ध को वैराग्य हुआ। बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा परमो धर्म ये हमारी वेदों की का एक मंत्र है। इसका मंत्र ये नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, जैसे गांधी जी ने कहा था कोई तुम्हारे एक गाल में पत्थर में थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा, इसको हम लोग कमजोरी मानते हैं, इसको हम अहिंसा नहीं मानते। किसी प्राणी निर्दोष प्राणी को अगर हम
रास्ते में चलते हुए देखते हैं तो उसके पैर अपने बचा करके उसकी रक्षा करते हुए चले, इसका नाम अहिंसा है। तुम्हें लोग पीटते जा रहे हैं, तुम्हारा अपमान करते जा रहे हैं, तुम्हारी बहू बेटियों को जो है जबरन अलग गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं और तुम अहिंसा के नाम से गाल दिखाते जाओ, ये अहिंसा हम लोगों को प्रसन्न नहीं, ये अहिंसा वेदों को प्रसन्न है नहीं, ये अहिंसा भारतीय समाज को प्रसन्न है नहीं। तो अहिंसा जो है न ईसाइयत ने कही न इस्लामियत ने कही, और अहिंसा तो हमारी भारतीय वेदों का मंत्र है। तो इससे क्या हुआ, वो लोग आपस में टकराए जो हिंसा कर रहे थे, तो बुद्ध के सामने आए, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला अभी तक कोई था नहीं, नंगे नाच कर रहे थे, जो मर्जी आए सो मारक कहें जो कोई मन भावा पंडित सोई जो गाल बजावा, ये सब स्थिति थी। तो उन्होंने बुद्ध से, बुद्ध ने कहा जीव मात्र की हिंसा करना महापाप है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। तो उन लोगों ने बुद्ध को ये तर्क दिया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेदों में जिस हिंसा की बात लिखी है वो हिंसा नहीं होती है। तो अगर बुद्ध वेद पढ़े होते, अगर बुद्ध ने शास्त्र का अध्ययन किया होता और नियति को रोकने के लिए बुद्ध के पिता ने जितने उपक्रम उनको बचाने के लिए किए थे वह न किए होते, तो बुद्ध ये पूछते कि वेदों में कहाँ हिंसा लिखी है, तुम बताओ हमें। वैदिकी हिंसा हिंसा वेदों में तो हम निंदा होने लगी और वेदों को न मानने वाला एक समूह पैदा हो गया, जो चिल्ला चिल्ला करके, शायद उस समय लाउड स्पीकर नहीं रहा होगा और कोई साधन होंगे, चिल्ला चिल्ला करके जो वेदों की निंदा करने वाले लोग थे उनका एक बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो, तो आपस में समाज के अंदर एक टकराव की भावना बनी। तो कुछ लोग वेद के समर्थक बने, कुछ लोग वेद के निंदक बन गए। इसके पश्चात शंकराचार्य जी का पादुर्भाव, सत्य न प्रचार की वस्तु होता है, सत्य ने कोई दिखावा होता है, सत्य अंतर चेतना से ही स्वीकार होता है, अंतर चेतना से ही उसका पालन होता है, वो अंतर चेतना का सत्य शंकराचार्य के अंदर मुखर हुआ। तो उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया, उस समय लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं था। उनसे पूछा, उन्होंने उनसे ये चर्चा की, आप क्या मानते हैं? तो बौद्धों ने कहा सर्वं शून्यम, सब शून्य है। तो शंकराचार्य कहते हैं हम भी मानते हैं सर्वं शून्य, शून्य हमारा दर्शन है, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी, अंधकार नहीं था, सृष्टि में कोई वस्तु नहीं था, उस समय शून्य ही तो था, जल भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, नाशदी सूक्त में पढ़े उसको कभी आप, कुछ भी नहीं था, शून्य था। तो शून्य में एक विस्फोट हुआ जिससे ओम निकला, ओम के तीन गुण बने सत्व रज तम। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल।
मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो सुभा